इसी कड़ी में 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ का रविवार को तीसरा दिन रहा। शाम को छठ व्रत धारियों ने डूबते सूर्य को अर्घ दिया। महापर्व के दूसरे दिन छठ व्रत करने वालों ने खरना कर प्रसाद वितरण कर व्रत का शुभारंभ किया। वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे के निवास स्थान पर भी लोक आस्था के महापर्व छठ की व्यापक तैयारियां की जाती रही। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे व श्रीराम जन्मोत्सव समिति युवा विंग के अध्यक्ष मनीष पांडे ने प्रदेशवासियों को छठ महापर्व की बधाई देते हुए अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी है। देखिए, ये कल से चालू हो चुका है। कल नहा खा के प्रारंभ हुआ और उसके बाद आज सवेरे से लेकर के अभी तक निर्जला अग्नि व्रत रहता है। अभी खरना कहते हैं, जिसमें रोटी और खीर जो चूल्हे पे ही बनता है, और उसका प्रसाद लेने के बाद अब से फिर 36 घंटे का निर्जला व्रत चालू हो जाएगा। कल शाम को तालाब पे सब जो है व्रतधारी उपस्थित होते हैं, और जो सूर्य देवता जब अस्तांचल की ओर होते हैं तब उसका अर्घ देते हैं, और परसों सूर्योदय के पहले जो है सूर्योदय के साथ उनका अर्घ देते हैं। तो एक तरह से ये ऐसा त्यौहार है जिसमें हम डूबते हुए सूर्य देव का भी आराधना करते हैं और उगते भी रात भर उनका इंतज़ार करते हैं। कई लोग घरों में कोसी भरते हैं तो रात भर उसमें जाता है। तो अलग अलग ये मनोकामना का भी त्यौहार माना जाता है। बहुत सारे जो व्रती हैं अलग अलग अपनी मनोकामनाएं लेकर के व्रत करते हैं। ये मूलतः पहले बिहार से, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर भारत होते हुए आज देश दुनिया में बहुत जगह है। भिलाई में हम लोग तो 6 दशक से इसको मना रहे हैं, जब से छोटे थे तब से, और तब से लेके आज तक निरंतर इसमें वृद्धि हो रही है और हर वर्ग के लोग इसमें ये कर रहे हैं। बहुत से लोग करते हैं इसमें अपनी अपनी मनोकामना। तो ये बड़ा पर्व है। छठ पर्व को देखते हुए आज आपने भिलाई के चयनित तालाबों का निरीक्षण किया, व्यवस्थाएं देखी, कैसी व्यवस्था वहाँ आपने करवाई और किस तरह की वहाँ व्यवस्था नज़र आई? देखिए, तालाबों का निर्माण तो हम लोगों ने पहले 1990 से चालू किया और अब तक लगभग 49 तालाब जो है पूरे भिलाई नगरीय क्षेत्र में बने हैं और अच्छे तालाब बने हैं। अब ये कभी कभी कहीं की सफाई व्यवस्था अच्छी है, कहीं का थोड़ा कम। 19 है, चूँकि मैं एक स्वयं व्रत किया हूँ तो इसमें ये नहीं करता। अब ठीक है, कहीं का कम है, कहीं का ज़्यादा है, कहीं ठीक है, तो अपने तरफ से कोशिशें है। लेकिन अब पहले प्रशासन को नियमित बताना पड़ता था कि भाई ये छठ आ गया, अब आप लोग कूदो। अब सभी भिलाई समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को इस छठ महापर्व की ढेरों बधाई और ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो। माँ छठी का आशीर्वाद सभी परिवार समाज में पड़े, सुख समृद्धि और सभी आगे बढ़ें, यही कामना माँ छठी से।